ओके अपना न्यू वर्ल्ड एंड स्पॉन पे ब्लैकस्मिथ यार काफी भी तगड़ी बात है। एंड यहाँ पर चलते हैं अंदर एंड चेक करते हैं भाई इसकी लूट। भाई अच्छी लूट हो प्लीज। 1 2 3 लेट्स गो। भाई मुझे कुछ दिखाएंगे जरा मां। So, hey guys, and कैसे हो तुम सभी लोग? वेलकम बैक टू दिस चैनल या प्रिक्शु। मैं हूं तुम्हारा दोस्त ऋषिकेश, लेके आ चुका हूं एक और नई वाली वीडियो। तो यार देखो भाई, बात सिंपल एंड क्लियर सी है। आज की इस वाली वीडियो में मैं तुम्हें कुछ काफी अमेजिंग सीट्स के बारे में बताने वाला हूं, जिनको एंटर करने के बाद यार तुम जन्नत में स्पॉन होगे। तो यार आराम से यार वीडियो को एंजॉय कर लो, पॉपकॉर्न वगैरह लेके आ जाओ और बैठ जाओ। एंड हो सके तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब जब सारी बातें हो चुकी है, लेट्स बिगिन यार। नाउ ये बेसिकली सीट नंबर 1 स्पॉन होती है, तुम्हारे सामने में दो काफी अमेजिंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलने वाले हैं, ब्लैकस्मिथ और वुडलैंड मेंशन। बट इस पर ध्यान मत लगाना ना ना दोस्त, तुम्हारे लेफ्ट साइड में और भी ओपी चीज है। यहाँ पर तुमको देखने को मिलेगा एक ट्री विद हनीबी। ओके सॉरी, इन कोऑर्डिनेट्स पर आ जाओ जहां पर मैं आकर रखा हूं, तुम स्क्रीन पर तो देख ही सकते हो। यहाँ पर आने के बाद भाई तुम गेस करो भाई, यहाँ पर छोटी सी केव है, यहाँ पर क्या ही हो सकता है? एक सेकंड भाई, तुमने गेस कर ही दिया होगा, फटाफट से कमेंट कर दो। अब मैं यहाँ से अंदर चलता हूँ। देख सकते हो भाई यहाँ पर बेसिकली एक मॉब स्पॉनर है जो कि पूरा एक्सपोज पड़ा हुआ है। एंड यहाँ पर दो और चेस्ट है भाई, एंड इन चेस्ट में क्या हो सकता है वो भी तुम कमेंट कर ही सकते हो यार, गेस वगैरह कर लो। यहाँ पर मिलेगा तुमको इंचेंटेड गोल्डन एप्पल, नहीं मिलेगा यहाँ पर मिलेगा वाटर बकेट। अबे यार वाटर बकेट स्टार्टर में काफी यूजफुल होती है, तो यार चिल बिल मारो। ओके विलेज की तरफ को बात में आएंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने वुडलैंड मेंशन के बारे में। देखो यार सबसे पहली बात तो यार वुडलैंड मेंशन स्पॉन के पास होना इज अ वेरी क्रेजी और लकी थिंग, जो कि इस सीट में अवेलेबल है यार। एंड बस नहीं है, अगर तुम वुडलैंड मेंशन के नीचे में आते हो इस सीड में, देन तुमको देखने को मिलेगा एक बहुत ही बड़ी वाली एंशिएंट सिटी। एंड ये दो एंशिएंट सिटी है भाई, एंड देन यहां पे एंशिएंट सिटी के बगल में तुमको मिलेगी एक रवीन जो कि पूरी की पूरी लश केव से कवर्ड है, तो ये काफी अमेजिंग सी बात है। एंड यार बैक टू द विलेज, विलेज तुमको देखने में काफी ज्यादा नॉर्मल से लग रहा होगा, बट ना ना दोस्त, ये विलेज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इस विलेज में भाई एक दूसरा विलेज है जो कि भाई पूरी की पूरी केव के अंदर में गया है, जो कि काफी तगड़ी चीज है। बैक टू द स्पॉन यार, देखो स्पॉन के पास एक काफी बड़ी सी लेक है जहां पर तुम आराम से अपना घर तो बना सकते हो, बट ऊपर आने के लिए काफी ज्यादा सीढ़ियां लगने वाली है। एंड स्पॉन के पास तो भाई एक विलेज तो है जो कि तुम देख ही सकते हो, बट अगर तुम स्पॉन के पीछे आते हो ना दोस्त, देन ब्रो यहाँ पर एक और विलेज है जो कि भाई उतनी ही दूरी पर है जितना कि फर्स्ट विलेज है। एंड यहाँ पर भी ब्लैकस्मिथ है, एंड अपना ये वाला विलेज भी पूरी तरह से वादियों में कहते हैं, तुम आराम से व्यू एंजॉय कर ही सकते हो दोस्त। नाउ अब बढ़ते हैं सीड नंबर 2 की तरफ को। सबसे पहले जब तुम सीड नंबर 2 में स्पॉन होते हो, सबसे पहले मिलेगा तुमको यहाँ पर एक ब्लैकस्मिथ। एंड इस विलेज में भाई एक दो नहीं, पूरे के पूरे चार ब्लैकस्मिथ हैं, तो काफी तगड़ी बात तो भाई पहले ही हो जाती है। बट अगर तुम यहाँ पर रिवर के पास में आते हो, तुमको मिलेगा यहाँ पर एक रुइंड बोतल जो कि बेसिकली रिवर के ऊपर है। एंड इसके बाद तुमको आना है रुइंड पोर्टल के जस्ट आगे, तुमको इन कोऑर्डिनेट्स पर सीधे डिग डाउन करना है, देन तुम पहुंच जाओगे इस केव के अंदर जहां पर टोटल 9 डायमंड की वेन है। एंड जस्ट थोड़ा सा नीचे आने पर तुमको मिलेंगे और 2 डायमंड्स, तो हो गए टोटल 11 डायमंड्स यार, और क्या ही चाहिए तुमको। एंड यहां पर तुमको आना है इन कोऑर्डिनेट्स पर जहां पर तुमको मिलेगा एक स्केलेटन स्पॉनर, एंड जस्ट थोड़ा सा नीचे और आने पर ज़ॉम्बी स्पॉनर। नाउ बैक टू द विलेज, यहां पर तुमको विलेज के पास आना, यहां पर मिलेंगे तुमको इन कोऑर्डिनेट्स पर स्ट्रेट डिग डाउन करना है। तुम पहुंच जाओगे यहां पर डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर ब्रो, एंड यहां पर एक आई ऑफ एंडर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एंड इस स्ट्रॉन्ग होल्ड में भाई 2 बुकशेल्फ है। अब यार मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूं, तुम आराम से सिर्फ लूट को एंजॉय करो। देख लिया ना भाई कितनी अमेजिंग लूट थी। नाउ अब तुमको सिंपली भाई सोशन के साइड से आगे बढ़ते रहना है, देन तुम पहुंच जाओगे डायरेक्टली कुछ इन कोऑर्डिनेट्स पर जहां पे मिलेगा तुमको एक चेस्ट, इसके अंदर 1 डायमंड है, यानी टोटल हो गए 12 डायमंड जो तुमको इस सीड में स्पॉन पर ही मिल जाते हैं। यानी कि इंट्रो मेरा बिल्कुल भी फेक नहीं था और क्लिकबेट नहीं था, एकदम सही था ब्रो। अब बढ़ते हैं रुइंड पोर्टल की तरफ को। सबसे पहली बात तो ऊपर में तुम देख सकते हो 2 गोल्ड के ब्लॉक्स हैं जो कि काफी तगड़ी चीज है। नेदर के अंदर आने पर तुमको 3 केव्स मिलने वाली है, यहां पर तुमको मिडिल वाला केव चुनना है जो कि बेसिकली सबसे छोटा वाला केव है। एंड यहां से अंदर आने पर भाई तुमको एक छोटी सी होल मिलने वाली है, यहां से नीचे आने के बाद तुमको जाना है अपने लेफ्ट की तरफ को, देन तुम डायरेक्टली पहुंच जाओगे अंदर बैस्टियन के अंदर। एंड बस इतना ही नहीं भाई, अगर तुम इसको लूटने के बाद डायरेक्टली नीचे आते हो एंड आगे बढ़ते हो, देन तुम डायरेक्टली पहुंच जाओगे अंदर फोर्ट्रेस के अंदर यार। एंड तुम कोऑर्डिनेट्स तो स्क्रीन पर देख ही सकते हो। तो ये सीट थी भाई बेसिकली स्पीड रनर्स के लिए, तो भाई कैसी लगी ये सीट कमेंट करके बताना। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सीट की तरफ को। ओके तो यार सर्वाइवल सीट हो गई, स्पीड रन वाली सीट हो गई, ये भी बात करते हैं एक बहुत ही अमेजिंग व्यू वाले सीट के बारे में। तो ये सीट जो है काफी अमेजिंग है, बिकॉज यहां पर जो है विलेज पूरा एलिवेटर टाइप में लगा हुआ है, तो यार देखने में काफी सही लगता है। एंड ये सीट है माइनक्राफ्ट एंड चिल भाई की तरफ से, तो अगर तुमको काफी अच्छा व्यू चाहिए ना भाई, तो ये सीट तुम्हारे लिए है, तुम आराम से वादियों में अपना घर बना सकते हो। ओके तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही है एंड तुम लोग पूरी वीडियो देखते भी नहीं हो, तो पार्ट 2 में कवर कर लेंगे बाकी के तगड़े सीड्स। तो भाई आज की वीडियो के लिए तो बस इतना ही था, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर तुमको वीडियो पसंद आई देन लाइक कर देना, एंड चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, वी आर रियली क्लोज टू 100 सब्सक्राइबर्स, तो करवा दो यार भाई के। एंड मिलेंगे अगली वीडियो में कैसे तगड़े टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।